गाइस हमारा न्यू टॉपिक है प्रोबिलिन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद एक्सटेंटिव प्रिमिटिव्स। यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव्स है, लाइक एक स्टैंडर्ड है और एक्सटेंटिव है। इसमें एक बेनिफिट मिलने वाला आपको यहाँ पे, लाइक सिंपल क्रिएट अ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पर आप स्मूथ कर सकते हो, लाइक रेडियस मेरे पास है, रेडियस को मैं यूज़ कर सकता हूँ, हाइट एज यू नो। ठीक है, फ्लेट सेगमेंट्स इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, फ्लेट सेगमेंट। ठीक है, साइड्स को हम यहाँ पे मैनेज कर देते हैं, सपोज 40-50 अराउंड। ओके, कैप सेगमेंट ऐसा कुछ दिया जा सकता है। एक सिंपल पहले डिफरेंस मैं आपको बताया था स्टैंडर्ड में और एक्सटेंडेड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कॉर्नर का फ्लिट, लाइक वहाँ पे ऐसा सिलेंडर होता है, यहाँ पे सिलेंडर में हम लोग राउंडनेस दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टॉप पे चलते हैं भाई, टी फॉर टॉप। ठीक है, दो वन थिंग हम लोग एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिलेंडर यूज़ करते हैं यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट सेंफर सिलेंडर। ठीक है, क्रिएटर सिलेंडर 1, 2 एंड 3 परसेक्टिव में चलो आप यहाँ पे। ठीक है, ओके, रेडियस कम, हाइट ठीक है, और फ्लिट कम कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, टॉप पे चलते हैं F3। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पाइवेट के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ पाइवेट को। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो सिलेंडर है मेरे पास यहाँ पे, सिलेंडर का पाइवेट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ से थर्ड बटन हायरार्की, ठीक है, अफेक्ट पाइवेट ओनली सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इस पाइवेट को मुझे यहाँ पे लेके आना है, मैं मैनुअल भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है ये बहुत एग्जैक्ट आए ना आए। एक ऑप्शन यहाँ पे स्नैप टॉगल, राइट क्लिक करना है यहाँ पे, इसमें एक ऑप्शन यूज़ करना या तो ग्रिड या वर्टेक्स। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो मैं वर्टेक्स यूज़ करूँगा, ऑब्जेक्ट नहीं तो मैं ग्रिड पॉइंट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो देन देखो यहाँ पे आपके पास ये ग्रिड पॉइंट विजुअल यहाँ पे एग्जैक्ट पहुँच जाएगा आपका। यहाँ पे ऑफ कर देना, ठीक है, तो आपका इस सिलेंडर का पाइवेट यहाँ पे आ गया। एक इसमें एक दो ऑप्शन और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मुझे, लाइक एरे। एरे में क्या है, लाइक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मैं कॉपी करना चाहता हूँ राउंड में। ठीक है, प्रीव्यू करके देखें यहाँ पे, प्रीव्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। लाइक मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रोटेशन, रोटेशन स्नैपिंग ऑफ करने का शॉर्टकट है एस। ठीक है, देखो कौन सा एक्सिस काम कर रहा है, नीचे देखो यहाँ पे जेड एक्सिस काम कर रहा है ना यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रोटेशन पे चलते हैं, एक्टिव कर दिया मैंने रोटेशन, जेड पे मैंने कर दिया 360, देन प्रीव्यू। एक पूरा सर्कल 360 होता है राउंडनेस, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 360 कर दिया। नंबर कितने चाहिए, 10, 10 कर देते हैं, 9 कर देते हैं एज यू विश। ठीक है, ओके, पी फॉर परस्पेक्टिव। अब मैं आपके यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताने वाला हूँ बुलियन एंड प्रो बुलियन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे। ऑप्शन आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करो आप, यहाँ पे कंपाउंड पे पहुँचते हैं यहाँ पे। लाइक बुलियन में मैंने यूज़ करना था, मैंने बुलियन यूज़ किया बुलियन। ठीक है, लाइक यू ने इंटरसेक्शन कर देते हैं यहाँ पे, स्टार्ट पिकिंग। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, सपोज मैंने अनडू कर दिया, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया लाइक, फिर दूसरे को मुझे करने के लिए फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चलता हूँ प्रो बुलियन पे, प्रो बुलियन स्टार्ट पिकिंग। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 आप ऐसे ही करके आराम से प्रो बुलियन का यूज़ कर सकते हैं, जो बुलियन में पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप बुलियन कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रो बुलियन। दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, आपको कुछ ऐसा से बनाना, ऐसा कुछ बनाना, तो देन आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रो बुलियन। ऑप्शंस ऑलमोस्ट सारे सेम है, लाइक इसके अंदर भी मैं कहूँ तो यहाँ पे सिंपल अपार्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, मर्ज, अटैच, इंसर्ट, ऑलमोस्ट सब चीज़ सेम है। लेकिन इसकी जो खासियत है वो यही है कि एक ही बार में कई ऑब्जेक्ट को आप लोग प्रॉब्लम यूज कर सकते हो, लाइक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके, इस चलो स्टार्ट करते हैं अपना एरे। लाइक थोड़ा सा एरे के बारे में जान लें, एरे का यूज़ क्या है। तो चलते हैं स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड पे चलते हैं। ठीक है, सपोज सैम्पल बॉक्स, वन क्लिक, सेकेंड क्लिक, देन थर्ड में आप स्मूथनेस दे सकते हो। ठीक है, देन आपका लगता है आपका काम हो गया, राइट क्लिक, ऑल्ट क्यू, ओके, गो टू मॉडिफाई,
स्प्लिट सेगमेंट्स हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर थोड़ा सा बेटर हो जाए, यहाँ पे स्प्लिट लाइक कम जाना, यहाँ पे कॉर्नर से कोई स्मूथ आ जाता है, यहाँ पे बॉक्स में ये ऑप्शन नहीं होता। ओके एरे को समझने के लिए पहले आपको ये जानना है कि यार एरे का यूज़ क्या है। लाइक एरे पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेस हैं, यहाँ पे लाइक टोटल है यहाँ पे, ठीक है। लाइक यहाँ पे मूव, रोटेट एंड स्केल, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पहले मूव का ऑप्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे। पहले एक्सिस को समझो, एक्सिस क्या है, सबको जीरो जीरो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मूव पे गए, अब मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए लाइक मुझे जेड एक्सिस पे काम करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे होता है 10, प्रीव्यू करते हैं यहाँ पे और देन एक्सिस पे लेके चलते हैं। एक्स आपका बढ़ रहा है ना, वाई पे आप इंक्रीज करके देख सकते हो, वाई आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। लाइक ऐसा कुछ पैटर्न बना तो बना सकते हो, ठीक है। और मल्टीपल अगर कॉपी चाहिए, इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट, ठीक है। सपोज टॉप पे चलते हैं यहाँ पे, टॉप एंड जेड मैंने इसकी कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और देन परस्पेक्टिव एंड जेड, मैक्सिमाइज एंड ऑर्बिट, टूल्स एरे, ठीक है। अब सपोज मैं जाता हूँ यहाँ पे, प्रीव्यू मैंने कर दिया, कॉपी हो गया यहाँ पे। अब मैं जेड एक्सिस पे मैं अप करना चाहता हूँ, तो मैं जेड एक्सिस पे अप भी कर सकता हूँ यहाँ पे। क्या बन गया, स्टेयर्स, ठीक है। तो आप ऐसे स्टेयर्स भी बना सकते हो, जो सबको प्ले करना है, प्ले करने से बहुत सी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। टूल्स में चलते हैं, हम लोगों ने देखा एरे, ठीक है। ये हमारा क्या था अभी तक, मूव का हम लोगों ने ऑप्शन यूज़ किया। अब मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे चलते हैं रोटेट पे। कुछ ऐसे भी ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है, अगर कुछ आपको कुछ डिफरेंट बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, ठीक है। ओके ऐसा कुछ ट्विस्ट शेप को मैनेज करना कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे भी कुछ काम किया जा सकता है यहाँ पे। ओके और देन कॉपी, टूल्स अरे, ठीक है। अगर मैं यूज़ देखूँ स्केल का, लाइक सपोज मैंने प्रीव्यू कर दिया, यही मेरा पूरा पार्ट है, और देन मैं स्केलिंग में छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ पे, जिन एक्सिस में मुझे छोटा बड़ा करना है। तो ये नॉर्मल भी है, रोटेशन के साथ भी है, स्केल के साथ में भी है। ओके ओके सपोज एक क्यूब ले लिया मैंने यहाँ पे छोटा सा, वन क्लिक एंड सेकेंड क्लिक, ठीक है। टूल्स में चलते हैं यहाँ पे, जैसे देखो इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, जेट मैक्स प्रू, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे करता हूँ डी वाई डायनेमिक्स के अंदर, अगर मैं कहूँ यहाँ पे एम जैसे देखो यहाँ पे, इसमें मैंने एरे का यूज़ कर रखा है यहाँ पे, बहुत बेटर वे में लाइक चीज़ों को फुलफिल किया है। अलग अलग टाइप्स हम लोग चीज़ों को फुलफिल करते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे 2D पे गए, ठीक है। लाइक एरे यूज़ किया यहाँ पे, और क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, जेड पे सिर्फ 10 के एक बॉक्स लेयर का क्यूब 10 यहाँ पे 10 कर दिया, तो देन आपके पास चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। देखो यहाँ पे, तो अगर मैं चलता हूँ लाइक मेरे पास मैक्स में, ठीक है। टूल्स में गए, टूल्स में क्या किया मैंने यहाँ पे एरे, ठीक है। 2D में गए, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 10, देखो यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ लाइक इसको जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मुझे नहीं कुछ करना, ठीक है। लो रोटेशन, ये रोटेशन, ये रोटेशन, वैसे इसका 100 100 एंड 100, ठीक है। ऐसा कुछ है यहाँ पे, मैंने ये भी सेट कर दिया, मैंने ये भी सेट कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज मैं प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे। लिख पा रहे आप यहाँ पे, लाइक अब मुझे किस पे चाहिए, मुझे इस पे भी 10 चाहिए, तो मैंने 10 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये आपका पार्ट यहाँ पे भी है, आपका पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन होगा यहाँ पे,
एक्सेस, ठीक है, एक्सेस मुझे यहाँ पे मैनेज नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ आपके यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी आप प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जो भी स्पेसिंग है आप यहाँ पे 3, 4, 5, आप यहाँ पे अब 2D में यहाँ पे चीज़ को फोर्स करते नजर आएगा आप यहाँ पे। है पॉसिबल, ठीक है। अगर हमने कुछ ऐसे किया 2D में तो 3D में क्या होगा? मैं इसे सजेस्ट कर दूँ, ठीक है, मैंने काम कर दिया मैं, ठीक है, और देन देन क्लिक एंड कॉपी, टॉप पे चलते हैं पे, जो सेफ है इन सेफ्स को थोड़ा मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है, परस्पेक्टिव इन जेड, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया पे टूल्स देन आ रहे, ठीक है। 3D भी क्या होने वाला है टेल मी, 5 कर दिया पे एंड देन प्रीव्यू, ठीक है, और कुछ काम हो गया यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ओके ओके ओके, देखना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा हैवी ना हो, सेगमेंट्स का भी आपको समझना है कि देखो ये आपका 3D का पार्ट आ गया। कुछ क्लियर हुआ? 1D, 2D एंड 3D, ठीक है, तो आप ऐसे करके भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना कि जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपका जो पॉलीगन से बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये फिर सिस्टम सपोर्ट नहीं करने वाला, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वैसे ही सिस्टम का भी एक सपोर्ट होता है, कितने पॉलीगन तक वो डील कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस ये आपका कुछ था एरे, एरे को हम लोग किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और एक छोटी सी ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ रेंडरिंग का, शिफ्ट एफ, सेव फ्रेम रेंडरिंग, ओके, जूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे चलना है लाइट पे, ठीक है, स्काईलाइट, कास्ट शेडो, टीपॉट, रेंडर, जस्ट 1 मिनट गाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, रेंडरिंग देन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और जस्ट क्लिक करते हैं रेंडर पे, रेंडर होने देते हैं, ठीक है,